फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बात करते हैं कांग्रेस के लोकसभा चुनाव की तैयारी की, जिसमें शक्ति प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और आज ट्रेनिंग रखी गई है कार्यकर्ताओं की, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। तो अब बारी लोकसभा की है, जिसमें शक्ति प्रोजेक्ट को और मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं की जिलेवार ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के लिए आज वर्कशॉप पीसीसी में रखा गया है और इस वर्कशॉप में शिरकत करने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे इस कार्यशाला की शुरुआत करेंगे और टिप्स दिए जाएंगे इन सभी कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से यूपीए गवर्नमेंट की उपलब्धियों को, यूपीए वन हो या फिर टू हो, 10 साल का जो कार्यकाल था उसकी उपलब्धियों को और साथ ही साथ राज्य में जिस तरह से सरकार बनी तो कुछ दिनों के अंदर ही किस तरह से वादों को पूरा किया जा रहा है, उन तमाम बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में भी जीत को दोहराया जा सके। क्योंकि पिछला जो लोकसभा का चुनाव था 2014 का, वो बहुत निराश करने वाला था कांग्रेस के लिए। 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। हालांकि बाई इलेक्शन में एक बार फिर से ऊर्जा का संचार पार्टी में हुआ, जब 2 सीटें बाई इलेक्शन में कांग्रेस के खाते में आ गई और एक बार फिर से उम्मीद बहुत ज्यादा है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। और कहा यह भी जाता है कि राजस्थान की अगर हम सियासी परिपाटी को देखें, इसकी तासीर को देखें, तो जिसकी सरकार होती है राज्य में, जो विधानसभा चुनाव जीतता है, लोकसभा चुनाव में भी उसकी ही छाप देखने को मिलती है। जो अब तक यहाँ का बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिकल, उसके हिसाब से तो उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन टारगेट एक बड़ा रखा गया है, क्लीन स्वीप की बात कांग्रेस के नेता करते हैं, कहते हैं, लेकिन उसके लिए किस तरह से बूथ लेवल से लेकर के अपर लेवल तक तैयारियां हों, उसको लेकर एक बड़ा मैनेजमेंट, एक बड़ी प्लानिंग यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके तहत आज पीसीसी में भी एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे हैं। माणिक लाल वर्मा की आज जयंती है तो उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया मुख्यमंत्री ने। और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी आज सबकी निगाहें पीसीसी पर, शक्ति प्रोजेक्ट। विधानसभा चुनाव में इस प्रोजेक्ट से बहुत कामयाबी मिली, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहा ये प्रोजेक्ट। तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी की जो पन्ना योजना थी वो धराशायी दिखाई दी। तो ऐसे में किस तरह से एक कामयाब प्रोजेक्ट को और मजबूती दी जाए, उस लिहाज से एक्सरसाइज की जा रही है पीसीसी में। आज शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होनी है, लेकिन उसके पहले आज यहां पर पार्टी से जुड़े एक दिग्गज को नमन किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित की माणिक लाल वर्मा को मुख्यमंत्री ने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन कलाल जुड़ गए। मदन, माणिक लाल वर्मा को आज नमन किया गया, इसके बाद मुख्यमंत्री आप क्या इस वर्कशॉप की शुरुआत करेंगे? जी, मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले वर्मा की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित की और फिलहाल पीसीसी चीफ कक्ष में मौजूद है, जहां पर उनसे आईटी विंग के कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के, वो मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल कुछ देर तक मुख्यमंत्री के यही रहने का कार्यक्रम है। पीसीसी में इस वक्त शक्ति प्रोजेक्ट का शिविर, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। हो सकता है मुख्यमंत्री उस शिविर में भी शिरकत करें, क्योंकि उसकी शुरुआत अविनाश पांडे करने वाले हैं। हाँ। फिलहाल मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ के कमरे में हैं और कुछ देर बाद यह तय होगा कि वो शिविर में पहुंचते हैं या फिर सीएमओ या आवास के लिए रवाना होते जी। और अभी क्या कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं जिनकी ट्रेनिंग होनी है? कितनी बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता है जरा भी बताइए मदन, जिनको आज ट्रेनिंग दी जानी है। जी, जयपुर देहात से जुड़े ये कार्यकर्ता हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का सिलसिला आज से शुरू होगा। बड़ा प्रोजेक्ट है कांग्रेस का, शक्ति प्रोजेक्ट है, और इसकी शुरुआत हो जाएगी आज से और यह दौर 15 फरवरी तक चलेगा। पूरे प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र है, जो भी लोकसभा सीट के अंदर 8-8 विधानसभा क्षेत्र, उनमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा और यह सिलसिला 15 फरवरी तक बना रहेगा। जी, तो ये प्रोजेक्ट की कामयाबी हमने दिखा था मदन, की किस तरह से ये शक्ति प्रोजेक्ट विधानसभा चुनाव में भी काफी इम्पैक्टफुल रहा, काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिला। तो अब इसको और किस तरह से और बढ़ाया जाए, स्ट्रेंथ दी जाए, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है?
जी कांग्रेस की कोशिश रहेगी, पदाधिकारियों की कोशिश रहेगी, आईटी विंग के जो भी लोग हैं, कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को उससे कनेक्ट किया जाए ताकि डिजिटल माध्यम का फायदा लेकर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत की ओर अग्रसर किया जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश है, राज्य में विभिन्न पदाधिकारियों की ओर से दावा किया जा चुका है कि 25 की 25 सीटें कांग्रेस हासिल करेगी। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि ये प्रोजेक्ट काफी मददगार साबित हो और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को इनसे कनेक्ट किया जाए और कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। जी, तो यहाँ पर पूरी तरह से लोकसभा चुनाव पर अब निगाहें हैं। आप सबसे बड़ा जो टास्क है, फाइनल टास्क कहेंगे तो वो लोकसभा चुनाव का है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार जुटे हुए हैं, डेप्यूटी सीएम भी जुटे हुए हैं, और आज पीसीसी में भी एक खास कार्यक्रम है, शक्ति प्रोजेक्ट के कार्यकर्ताओं को आज यहां पर वर्कशॉप उनकी होगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, टिप्स दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मदन तमाम जानकारी के लिए। तो पीसीसी में तमाम दिग्गजों का जमघट लग चुका है, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और माना यह जा रहा है कि आज जो ये वर्कशॉप होनी है उसमें भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। तो जयपुर ग्रामीण के शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं आज उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। हर जिले में शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी के साथ इस ये हालात में चल रहे हैं। हम सब स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के हमारे कांग्रेस जन, और हम सभी स्वागत करते हैं उनके राजनीति में आने का भी और महामंत्री बनने का भी। कल एक सवाल पूछा था सर, क्या राजस्थान पहल करेगा क्या उन्हें राजस्थान से चुनाव लड़ाने की, क्योंकि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की पहल आपने ये सारे फैसले हाईकमान खुद करता है, ये हम किसी को अधिकार नहीं हम ये कहें कि हम पहल करें या क्या करें। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में तो राहुल गांधी का भी स्वागत है, प्रियंकारी का स्वागत है, राजस्थान में तो एक माहौल बन चुका है कांग्रेस पक्ष के अंदर। यहाँ से चुनाव लड़े राहुल गांधी जी, लड़े प्रियंका जी, लड़े तो पूरा प्रदेश का कांग्रेस जन प्रदेश भर स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेन किया राजस्थान में, उन्होंने राजस्थान के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो दिल जीता है, और जिस प्रकार गुजरात के अंदर जो मोदी जी की खुद का राज्य है, अमित शाह जी का राज्य है, गुजरात में चाहे चुनाव में हम लोग सरकार नहीं बना पाए हो, पर वहाँ हमारी ना हार थी ना बीजेपी की जीत थी, वहाँ के लोगों का भी दिल जीता राहुल गांधी जी ने। इसलिए पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि जो आलोचनाएं, जो जिस प्रकार की निम्न स्तर की टिप्पणियां की जाती थी राहुल जी के बारे में, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। और जो लोग सोचते थे उनके बारे में, उनके विचार बदल गए हैं देश के अंदर। अब देश मानने लग गया है, मीडिया मानने लग गया है कि मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो एकमात्र राहुल गांधी दे सकता है, और उसी रूप में एजेंडे तय हो गए हैं, किसानों का, युवाओं का, महंगाई का, और जो राजनीतिक घृणा की, नफरत की, हिंसा की राजनीति शुरू हुई देश के अंदर, उसका अंत करने का समय आ गया है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई व्यक्तिगत कोई किसी से अदावत नहीं है, विपक्षी पार्टियों से हमारी लड़ाई है तो विचारधारा की है, नीतियों की है, सिद्धांतों की है, और वो लोकतंत्र में जायज है। इसलिए अब एजेंडा फिक्स हो चुका है देश के अंदर, और अगले चुनाव में समझता हूँ कि कोई आश्चर्य नहीं कि भारी बहुमत से राहुल गांधी इस देश को नेतृत्व प्रदान करे, और मोदी जी और जो अमित शाह जी है उनकी पार्टी में खाली दो लोग राज कर रहे हैं, बाकी लोग तो वो खाली एक दिखावट के लिए है, अधिकांश मंत्रियों को जानते ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कभी ये ऐसा मौका दिया ही नहीं मंत्रियों को कि उनकी पहचान बने।
लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो होता है उसके मंत्री होते हैं वो कोई मातहत नहीं होते हैं, वो कलीग के रूप में होते हैं, सहयोगी के रूप में होते हैं, साथी के रूप में होते हैं। तो मोदी जी ने क्योंकि तानाशाही पूर्ण उनका रवैया है, जैसे वसुंधरा जी का था उसी ढंग से, इसलिए उनके लिए तमाम मंत्री जो है उनके ना सहयोगी है वो उस रूप में उनको मानते नहीं है, वो खाली अपने मातहत मानते हैं मंत्रियों को इस रूप में कि उनकी पहचान बनने नहीं दी है 5 साल तक। अधिकांश देश के लोग उनके मंत्रियों को कोई नाम के साथ में कोई सिक्र के साथ में बता ही नहीं सकता है, 3-4 मंत्रियों को छोड़ करके। तो आप सोच सकते हो कि देश में 5 साल जो लोकतंत्र चला है उसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। कोई खुली हवा में सांस ले नहीं सकता, खुल के बात कर नहीं सकता, खुल के टेलीफोन से वार्ता कर नहीं सकता, इंडस्ट्रीज डरा हुआ है, मीडिया डरा हुआ है, पॉलिटिशियन डरे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट डरे हुए हैं, कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा। 5 साल में दिल्ली में किसी ब्यूरोक्रेट ने दिल से काम नहीं किया, मन से काम नहीं किया, दिमाग से काम नहीं किया, खाली टाइम पास किया है क्योंकि नौकरी करनी है उनको। इतना ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, और जिस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी डरी हुई हो, मीडिया डरा हुआ हो, पॉलिटिशियन डरे हुए हो, आप सोच सकते हो उस मुल्क में लोकतंत्र के क्या हालात हुए होंगे। तो आज लोकतंत्र के नाम से तो हम जी रहे हैं परंतु हालात बड़े गंभीर हैं, और मुझे निश्चित तौर से लगता है कि 3 महीने और इंतजार करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी ने 8 फरवरी से जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है, सवर्ण आरक्षण और किसान कर्ज माफी को लेकर के, यहाँ पर राजस्थान उनकी अपनी मजाक उड़ रही है। हम तो कह चुके हैं हम 10% आरक्षण किया, हम तो 14% आरक्षण की बात करते हैं। 2002 के अंदर मैंने यहाँ पर पहला राज्य देश के अंदर है जिसने 14% आरक्षण ईबीसी को मिले प्रस्ताव पास किया, वाजपेयी जी को भेजा कि आप संविधान में संशोधन जो अब हुआ है उस पर करो 2002 के अंदर। ये पहल मैंने खुद ने करी राजस्थान के अंदर। कल मैंने जो विधानसभा में जो प्रश्न सुनाया क्वेश्चन, उस वक्त में 2002 के अंदर मिस्टर अमर सिंह जी ने जो क्वेश्चन किया राजस्थान को लेकर किया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है उस पर भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, और मंत्री जी ने जवाब दिया वो मैंने कल पढ़ के सुनाया आपको। तो आप सोच सकते हो हमारा सपना तो 2002 से है, ये क्या तो जेल भरो अभियान करेंगे और क्या सड़कों पर आएंगे, इनमें कोई दम नहीं है, खाली लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए कुछ कुछ एक्टिविटी बताने के लिए ये घोषणा करते रहते हैं। गेहलोत साहब, कांग्रेस की जो परंपरा थी एक पर एक व्यक्ति की वो आपने निर्वहन की है, क्या अभी कांग्रेस में पूरी तरीके से लागू होगा? ये पार्टी के इंटरेस्ट में फैसले होते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि एक पद पे दो पद एक व्यक्ति के बाद नहीं रह सके, ऐसा कभी होता नहीं है। पार्टी अपनी सुविधा से पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर फैसला करती है। मेरा फैसला होना स्वाभाविक था, पहली फैसला हम हो चुका था, ये खाली निर्णय कल घोषित हुआ है, निर्णय पहले फैसला हम लोग कर चुके थे, करना स्वाभाविक था। मैं जब राजस्थान में काम कर रहा हूँ तो कैसे मैं यह आसन में बैठ सकता हूँ, ना आप लोग मुझे अलाउ करते वहाँ बैठने के लिए, ना दिल्ली अलाउ करती कि मैं मतलब यहाँ आके बैठूँ, और राजस्थान जो है किसके वर्ज रहेगा फिर वहाँ पर। तो मुझे तो मैं समझता हूँ ये कोई बताई तो स्वाभाविक बात है। सर, चुनाव आयोग ने आज एक बैठ दी है थोड़ी देर पहले कि हम फिर से बैलेट युग में नहीं जा सकते, ईवीएम की भले ही शिकायत आ रही हो, क्योंकि 2 दिन पहले भी हैकिंग की शिकायत आई थी, एक ने बोला अमेरिका से कि हुआ। अब ये तो बहस का विषय बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना होगा कि ईवीएम मशीन में हैकिंग, ईवीएम मशीन में टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, तभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वीवीपैट मशीन लगाओ साथ में। तो इसके मायने क्या, इसका मायने तो प्रूफ हो गया होगा कि ईवीएम मशीन में टेम्परिंग की संभावनाएं हैं, तभी तो करोड़ों रुपए खर्च करके अरबों रुपए खर्च करके वीवीपैट मशीन लगी है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी तो ये बहस का विषय बना हुआ है, धीरे धीरे जो कुछ भी होना है फैसला सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका इंग्लैंड सब जगह ये पहले की मशीनें थी, वहाँ क्यों तो हटी, क्यों लगी थी, क्यों हटी थी, क्यों वहाँ बैलेट पे आए थे,
ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ डिबेट का विषय है, पर डिबेट का कोई न कोई हल निकलना चाहिए कि डिबेट अंतिम रूप से क्या 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 रूप लेती है। धन्यवाद सर। रामगढ़ चुनाव एक सर कल जाएंगे। तो एक्शन में गहलोत है पूरी तरह से, और पीसीसी में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी को तानाशाह करार दिया। कहा कि उनका रवैया तानाशाही है, मोदी जी ने मंत्रियों को पहचान नहीं बनने दी, उनको पहचान नहीं बनाने दी, और हमारी सरकार ने 14% आरक्षण का प्रस्ताव किया था। और प्रियंका गांधी के राजनीति को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया और ये कहा कि लंबे अरसे से कांग्रेस को इंतजार था, उनका इंतजार खत्म हुआ है और अब एक बार फिर से पार्टी पूरी तरह से जुट गई है लोकसभा चुनाव के लिए। तो सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड अगर कहेंगे तो रुपका इक्का कहेंगे कांग्रेस का, तो प्रियंका गांधी है। और ये कहा कि देश हित और पार्टी हित में ये कदम उठाया जाना बेहद जरूरी था। प्रियंका के आने से बीजेपी घबरा गई है, प्रधानमंत्री उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से परिवारवाद को लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज बयान दे रहे हैं, उस पर भी पलटवार किया अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने। और प्रियंका को राजस्थान से चुनाव लड़ाने पर सीएम ने कहा है कि राहुल और प्रियंका जी का राजस्थान से चुनाव लड़ने के लिए स्वागत है, एक लंबा सफर रहा है, एक गहरा रिश्ता रहा है,